तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू क्या पागल हो गया है? एक बात कान खोल के सुन ले, ताऊ जी की बेइज्जती मैं होने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। जो ताऊ जी नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। ताऊ जी ने चाहा कि जमुना घर पे नहीं आएगी तो जमुना घर पे नहीं आएगी। ए रॉकी, रुक रुक, तू शांत हो जा प्लीज। हाँ संगीत, इधर आ। संगीत, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू ये फैसला क्यों ले रहा है। हाँ तू क्यों नहीं समझ रहा है कि तू कौन है? तेरे घर का क्या स्टैंडर्ड है? तेरे घर के स्टैंडर्ड के साथ जमुना का स्टैंडर्ड मैच नहीं करता, वो उस घर में नहीं जमेगी। क्यों नहीं समझने की कोशिश करता? अरे संगीत, मैं तुझे एक बात बोल देता हूँ, जमुना अगर उस घर में गई तो उसकी लाश ही वापस आएगी यहाँ। चाचू, आपको मैं चाचा बोलता हूँ, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। कहाँ आप लोग जमुना का इज्जत के साथ स्वागत करते वो ना करके आप ये सब बोल रहे हैं? नहीं नहीं चाचू, जब तक जमुना मानी नहीं तब तक ठीक था, लेकिन अब जमुना मान गई है, खुद वो उस घर में जाने को राजी हो गई है। उसे तो मैं लेकर जाऊंगा ही, उस घर के दरवाजे पे जाऊंगा ही, और श्री केदार राय को मानना ही पड़ेगा। मतलब ए संगीत, संगीत मत जा, मेरी बात सुन संगीत। अरे अरे तू एक बात क्यों नहीं समझ रहा कि जमुना को हमारे घर की बहू के रूप में कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं। अरे भैया ने आर्या के माँ बाप से वादा किया है, मेरी बात सुन संगीत, सुन तो। वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, उसके दिमाग में अभी कुछ नहीं घुस रहा, वो नहीं सुनेगा। हाँ। तब तो जो नहीं करना चाहता था वही करना पड़ेगा। क्या लड़की अब अपनी जान से जाएगी? किसे फोन कर रहे हो आप? देखो रॉकी, अगर कोई पर्वत तक नहीं पहुंच पाए तो पर्वत तो उस तक पहुंच ही सकता है ना। हा? आपकी बात मैं कुछ समझ नहीं पाया। जमुना के हमारे घर तक पहुंचने से पहले अगर स्वयं केदार राय यहां आए तो हेलो। हाँ बोल भैया। भैया जमुना हमारे घर की बहू बनकर संगीत के साथ जाने को राजी हो गई। चालाक है, बहुत चालाक है। यही तो उसका शुरू से मकसद था, उसका इकलौता मकसद था मेरा सिर झुकाना। इसीलिए बार बार वो मुझे शर्मिंदा करती रही। दुर्गा पूजा में विंध्यवासिनी देवी को बालकनी से खड़े होकर अंजलि दिलवाई थी, सबके सामने उसने मुझसे विंध्यवासिनी देवी को प्रणाम करवाया था। वो लड़की अगर इस घर में आई तो इस घर का कल्चर, स्टैंडर्ड सब बर्बाद हो जाएगा। समझने की कोशिश कर कल्याण। वही तो बोल रहा हूँ भैया, यही तो बोलना चाहता हूँ आपको कि उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही आप यहाँ आ जाइए और ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे ये जमुना कभी शहर तक पहुँच ही ना पाए, उसका साया तक हमारे राय परिवार के दरवाजे पर कभी ना पड़े। जमुना, मैं आ रहा हूं, तुझे ढोल बजाने का बहुत शौक है ना? मैं आऊंगा ढोल लेकर,
108 ढोल लेकर मैं आ रहा हूं। तूने मुझे दानव कहा था ना, दानव। अब देखना ये दानव उन 108 ढोल के साथ साथ क्या करता है। तेरे घर को घेर के 108 ढोल बजेंगे। तेरा इस परिवार की बहू बनने का शौक मैं मिट्टी में मिला दूंगा। राज बिहारी बाबू जी, गाड़ी निकालने के लिए कहिए। कहाँ जाना है आपको? कुसुमपुर गांव। रो मत बहू रानी, इस तरह मत रो। तुम तो जानती हो तुम्हारा पति बिल्कुल गधा है। नहीं माँ, गधा होने से भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती माँ। मैं रोती भी नहीं, लेकिन वो इंसान बहुत निर्दयी है माँ, बहुत निर्दयी है। मुझे कमरे से निकाल दिया माँ। इतने साल घर संभालने के बाद मुझे कमरे से निकाल दिया। देखो, तुम भी हार मत मानना। तुमने जो उससे कहा है, जब तक वो माफी मांग के तुम्हें कमरे में वापस ना बुलाए, तब तक तुम मत जाना। मेरी ये बात तुम याद रखना। वाह दादी, वाह, यही सीखूं ना मैं आप लोगों से। दादी, आप ऐसा मेरी माँ से कह रही हैं ताकि मेरी माँ पापा के कमरे में वापस ना जाए? आप ये सब करके ना माँ पापा का घर तोड़ रही हैं। आप तो इस घर की बड़ी हैं दादी। गीत, क्या कह रही है तू? तू मेरे साथ बदतमीजी करती है, अब दादी के साथ शुरू हो गई है? मैंने क्या गलत कहा माँ? दादी यही तो कर रही है ना। दादी कमरे में बैठकर अपनी बहुरानी के कान भर रही है। गीत, आप समझ नहीं रही हो माँ, दादी पापा को सह नहीं पाती है, क्योंकि पापा दादी के सौतेले बेटे हैं। इसलिए दादी कभी नहीं चाहती कि आप और पापा एक साथ एक कमरे में रहो। बिल्कुल चुप हो जा। माँ, आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानिए। वो नहीं नहीं, इसे बोलने दो। ये जो बोलना चाहती है इसे बोलने दो। इसके पापा ने इसके मन में जहर जो भरा है। इसे बोलने दो बहू रानी, तू मेरी पोती है। बोलती रह, दिल खोल के बोलती रह। मुझे तो दिख रहा है हूबहू अगला केदार राय। वो तो होगा ही दादी, केदार राय की बेटी हूं और मेरी रगों में जमींदारी खून बह रहा है। जो भी हो, मैं आप दोनों से एक बात कह देती हूँ। घर की लक्ष्मी पूजा छोड़ के पापा सिर्फ आप दोनों के लिए आज कुसुमपुर गांव जा रहे हैं भैया को वापस लाने। हाँ, क्या बोल रही है तू? क्या कहा? तेरे पापा कुसुमपुर गांव जा रहे हैं? सही सुना आपने, क्योंकि उस जमुना ने उनसे कहा कि वो इस राय परिवार की बहू है और आज कुसुमपुर गांव में जंग छिड़ेगी माँ। बहुत बड़ा तांडव होगा और अगर इस सब के बीच मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी माँ, कभी माफ नहीं करूंगी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। गीत, गीत,
मुझे किस तरह बेइज्जत करके गई। इनकी इतनी हिम्मत। माँ, इस घर में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। माँ, मेरी कोई जगह नहीं है। मैं समझ गई हूँ, राय परिवार की बड़ी बहू को सब नीचा दिखा रहे हैं, सब छोटा कर रहे हैं। माँ, सब छोटा कर रहे हैं। बड़ी बहू रानी, सोचो मत। देखना, सब ठीक करने वो आएगी ही, और मैं पूरे मन से प्रार्थना करती हूँ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जमुना इस घर की लक्ष्मी बनके लौट आएगी। आएगी, देख लेना। ऐसा ही हो माँ, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। लेकिन माँ, माँ, आपका बड़ा बेटा गांव पहुंच गया तो? गांव पहुंच गया तो दोनों बच्चों का क्या होगा माँ? मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं उन्हें रोकना होगा माँ, उन्हें रोकना होगा। मैं अभी आ रही हूँ। ये रही माँ, यहाँ है। गीत बोल रही थी, आप दोनों यहाँ बैठ के क्या गॉसिप कर रही थी? हाँ, ढंग से बात करो। ये इस घर की बड़ी मालकिन है। वो थी, अब नहीं रहेंगी। मेरे आने के बाद नहीं रहेंगी। जो भी हो, आप जरा एक काम कीजिए, आप मुझे अपने लॉकर की चाबी दे दीजिए। क्यों? लॉकर की चाबी का तुम्हें क्या काम? मैंने मांगा, वो देंगी। डरिए मत, आपके हस्बैंड से परमिशन लेकर आई हूँ मैं। वो तो अभी निकलेंगे और रसबिहारी बाबू गाड़ी निकाल ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चाबी उनके रहते ही ले लूं। और उसके बाद मैं गीत के साथ जाकर सारे गहने निकाल ले आऊंगी। आपके सारे गहने, वो तो इतने समय तक आपने कुबेर के धन जैसे घेर कर रखे थे ना, उस जमुना के लिए। मैं तुम्हें गहने नहीं दूंगी। आप गहने देंगी। कहा ना मैंने नहीं दूंगी? तुम्हारी हिम्मत देख के मैं चौंक रही हूँ। एक बाहर की लड़की होकर मेरी सासू माँ से तुम इस तरह जुबान लड़ा रही हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? इसे बाहर की लड़की क्यों बोल रही हो? आप बार बार इसे बाहर की लड़की बोलकर इसकी बेइज्जती क्यों कर रही हो? हाँ वही, इस घर में सबने आर्या को इस घर की बहू मान लिया है, और खासकर भैया ने तो मान ही लिया है, और सारे रिश्तेदार, दोस्त यार, अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं कि संगीत के साथ आर्या की शादी होगी। तो फिर तो उसे मानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? शादी जब मेरे बेटे की है, मुझे ही फैसला लेने दो। आप कहाँ फैसला ले रही हैं बड़ी भाभी, आपके लिए तो माँ फैसला ले रही है। माँ जैसा बोल रही हैं, आप उस पर ही तो नाच रही हैं। बड़ी भाभी, आप जिद क्यों कर रही हैं? आप ऐसा करके अपना घर तो तोड़ ही रही हैं, पर साथ ही आप अपने बेटे का भी घर तोड़ रही हैं। माँ, इतनी बातें ना अच्छी नहीं लग रही हैं। जल्दी से लॉकर की चाबी दीजिए तो। इस घर में इतना झगड़ा मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। दादी, आप इसे लॉकर की चाबी दे दो प्लीज। कहा ना नहीं दूंगी। चाबी क्यों नहीं दोगी आप? उसमें मेरी सास के सब कीमती गहने हैं, और मैं वो गहने सिर्फ घर की बड़ी बहू को ही दूंगी। इसलिए तो कह रही हूँ कि आर्या को गहने दे दो दादी। अच्छा माँ, आप जिद क्यों कर रही हैं? चाबी दे दीजिए ना। अच्छा नानी, आप क्यों नहीं समझ रही हो कि आप दोनों के हाथों में अब कुछ नहीं है? ये रिश्ता आप दोनों को मानना ही होगा, तो क्यों आप घर का माहौल खराब कर रही हो? खुशियों को क्यों खराब कर रही हो? चुप रहो तुम सबकी हिम्मत देख के मैं चौंक रही हूँ। कैसे बात कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया है तुम सबको? मैं लॉकर की चाबी नहीं दूंगी। चाबी तो मैं लेकर रहूंगा। मैंने राजबिहारी बाबू से गाड़ी निकालने के लिए कहा है,
मैं अभी कुसुमपुर गांव जा रहा हूं। मैंने प्रताप बाबू, कावेरी जी और इसकी मासी से वादा किया है, आर्या लक्ष्मी की तरह कोजागरी पूर्णिमा में रहेगी। गहनों से लाद दूंगा मैं उसे, भर दूंगा गहनों से। विंध्यवासिनी देवी, लॉकर की चाबी दो। मैं लॉकर की चाबी नहीं दूंगी। चाबी दो मुझे। कहाना नहीं दूंगी। चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी। बाप रे बाप, आपको कितना लालच है माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं बताइए तो। अपनी माँ पर इस तरह आप दबाव नहीं डाल सकते। मैं सब कर सकता हूँ, इसके अलावा और मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो मेरे कुसुमपुर गांव में जाने के बाद पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ और संगीत को लेकर आऊंगा आर्या के लिए। जमुना ने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो कुसुमपुर की नदी में उसकी लाश तैरती नजर आएगी। मैं तेरे साथ शर्त लगाती हूँ, तू कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टे मुंह की खाएगा तू देख लेना। तू ठीक वैसे ही सर झुकाकर मेरे कदमों में आकर गिरेगा। जमुना, जमुना इस घर की बहू बनके उस दरवाजे की चौखट लांग के अंदर आएगी। मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। माँ, बात ना बढ़ाकर लॉकर की चाबी दीजिए। माँ, आप इस तरह चुप क्यों हो? दादी को कहो ना लॉकर की चाबी दे दे। मैं नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। इसी वजह से पापा आपके साथ रहना नहीं चाहते माँ, समझी? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। जाओ यहाँ से, जाओ। मन से तो बहुत पहले ही यहाँ से चली गई हूँ, अब यहाँ आपको दिखूंगी भी नहीं। एक बात मैं आपसे कह देती हूँ माँ, जमुना ने अगर इस घर में कदम रखा ना, और अगर आपने उसका स्वागत किया, तो मरते दम तक अगर मैंने आपको अपना चेहरा भी दिखा दिया तो मेरा नाम भी गीत राय नहीं। गीत? गीत? हाँ वेद, हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंध्यवासिनी देवी, चाबी दो। नहीं, नहीं दूंगी। तुम चाबी जरूर दोगी रागिनी। हाँ भैया। इनसे चाबी ले लो। मैं जानती हूँ चाबी कहाँ है। ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? नहीं, तुम उसे रोको मत। तुम उसे रोक नहीं सकती क्योंकि तुम ऐसी पत्नी हो जो पति की इज्जत के साथ खिलवाड़ करती हो, और तुम्हारा रूप तुम्हारे निजी जीवन में कुछ और ही है। क्या क्या कहा आपने? आपने बाहर के लोगों के सामने मुझसे कहा कि मेरा रूप मेरे निजी जीवन में कुछ और है, आप ऐसे? सही कहा है मैंने, बात बढ़ाओ मत, जाओ यहां से। ये रही मामा। तो एक काम कर, ये चाबी तू गीत को दिया जा। जरूर।
हाँ विंध्यवासिनी देवी, ये है आपकी बहू रानी, अति प्रिय बहू रानी। अब से ये आपके पास ही रहेगी, मेरे कमरे में, मेरे पास नहीं। मेरे पापा ने जैसे आजीवन तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, ठीक वैसे ही मैं भी इसका चेहरा नहीं देखूंगा। साहब गाड़ी आ गई है, आप चलिए मैं आता हूं। भैया क्या कर रही हो बड़ी भाभी, जिस घर में हो उसी घर के लोगों से दुश्मनी कर रही हो। अच्छा ठीक है जो हो गया सो हो गया, जाकर भैया से माफी मांग लो, जाओ जाओ जाओ। माफी? माफी वो मांगेंगे राकिनी, थोड़ा इंतजार कर, वो मांगेंगे माफी। आप गलती कर रही हैं भाभी, तब तो बोलना पड़ेगा कि आप अभी तक मेरे भाई को पहचान नहीं पाई। नहीं पहचानती है। अच्छा मुझे एक बात बताएंगी, वो भैया आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बोल रहे थे? वो भाई क्या बोल रहे थे? हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। ए, चली जा यहाँ से, चली जा मैंने कहा। ये क्या मुझसे ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने कुछ किया है क्या? आपके बड़े बेटे ने कहा है बड़ी भाभी से। किसको पता है? कौन जानता है, कुछ राज की बातें होंगी शायद। आ जाओ आर्या। बहुरानी रो मत बड़ी बहुरानी, इस तरह मत रो, मत रो, कहा ना मत रो। मुझसे और नहीं हो रहा माँ। मैं कह रही हूँ इस तरह रो मत, पहले मेरी बात सुन। आपके बेटे ने इतने लोगों के सामने मुझे क्या क्या नहीं कहा माँ, वो मौत तक मेरा चेहरा नहीं देखेंगे माँ, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। मुझसे और सहा नहीं जाता माँ, नहीं सहा जाता। तू सोच के देख बड़ी बहुरानी, इतने साल बीत गए, मैं कितना दर्द सहन कर रही हूँ। गुलाब, उसे तुम किसी भी नाम से पुकारो वो गुलाब ही है, और तुम्हें किसी भी नाम से पुकारो जमुना, तुम मेरा प्यार हो।
आई लव यू जमुना, प्यार करता हूं तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इतने फूल क्यों लेकर आए? मैं गुलाब की पंखुड़ियों पर पैर रखकर चली जाऊं? ये मुझे अच्छा नहीं लगता छोटे मालिक, ये मुझे नहीं जचता, क्योंकि मैं तो जिंदगी भर कांटों पर ही चली हूं। आज जब तुम खुद को बनारसी में देखोगी, अपनी मांग में सिंदूर भरोगी, नई दुल्हन की तरह सजोगी, ठीक तभी से तुम्हारा कांटों पर चलना खत्म। अच्छा फसाया है इसने छोटे मालिक को, हाँ? ज़बान संभाल कर बात कीजिए। अरे मैंने गलत क्या कह दिया है? मेरा भी तो मन करता है ये गुलाब ऐसे ही कृष्णा को देने के लिए, जैसे कि आपने दिया है अभी, बिल्कुल वैसे ही सिनेमा की तरह। बड़े घर के बेटे हैं, गुलाब में ऐसे ही पैसा खर्च कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरा भी तो मौज मस्ती करने का मन करता है ना, मेरा भी एक गुलाब देने का मन करता है ना। आपकी उम्र मेरे पापा से भी ज्यादा है, ऐसा कुछ मत बोलिएगा जिससे आपकी जबान निकाल के फेंक दूं। और आप लोग अंदर कैसे आ गए? क्या ये सार्वजनिक जगह है? सार्वजनिक जगह ही तो है, आप अगर यहाँ आ सकते हैं तो मेरे आने में क्या आपत्ति है? हाँ मेरे पास आपके हिसाब से पैसे कम हैं, लेकिन अगर आप मांगोगे तो ज्यादा दे सकता हूँ। मुझे देना, मुझे भी कृष्णा को देना है, ये देना। भूषण चाचा, इस लकड़ी से ढोल बजा बजा कर ना मेरे हाथों पर छाले पड़ गए हैं, ठीक जैसे मैं ढोल बजाती हूँ। देख तागुर ताक दिना दिन, देख तागुर तागुर तागुर, देख तागुर ताक दिना दिन, देख तागुर तागुर तागुर, देख तागुर ताक दिना दिन, देख तागुर तागुर तागुर, देख। ठीक इसी ताल पे अगर ये लकड़ी तुम्हारे सिर पर पड़ी ना, जहाँ जहाँ गंदगी जमी हुई है ना, वो जगह टूट जाएगी और गंदगी खत्म हो जाएगी। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ। ए जमुना, तू एक ढोली की बेटी होकर भूषण काका को मारेगी? ए काली, अब ढोल बजाना छोड़कर इस आदमी की दलाली कर रहा है तू? एक बात कान खुलकर सुन ले, ढोली की बेटी, ढोली की बेटी, गरीब गरीब सुनकर ही बड़ी हुई हूँ मैं, पर अब नहीं, अब जरा भी नहीं, क्योंकि अब इस ढोली की बेटी के बोलने का समय आया है। चलो जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से, जाओ, निकल जाओ, जाओ निकल जाओ। अच्छा, आज रात को ही तेरा घमंड तोड़ूंगा, तेरी बहन को मैं आज यहां से उठा के ले जाऊंगा और कोई रोक नहीं पाएगा मुझको। यहां आग लगेगी, आग, और कृष्णा को अपने कंधे पर उठा कर लेते जाऊंगा मैं, देखता हूं कौन बचाता है तेरी बहन को। तू एक भोली की बेटी होकर भूषण काका को मारेगी?
गंगा ढोली की बेटी है ये, गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली। मेरी शादी में तेरे जैसी ढोली की बेटी को मैं गरीब भोजन कराऊंगी। तेरी बहन को मैं आज यहाँ से उठा के ले जाऊंगा और कोई रोक नहीं पाएगा मुझको। यहाँ आग लगेगी, आग। दीदी, ओ दीदी, दीदी सुनिए ना, वो प्रसाद नहीं बनाएंगी, समय तो ज्यादा नहीं है, हर साल कितना इंतजाम करती है, इस साल तो कुछ भी शुरू नहीं किया। क्यों? मुझे ही सब कुछ क्यों करना पड़ेगा? ऐसी कसम तो किसी ने मुझे नहीं दी। इस घर में बहुत लड़कियां और औरतें हैं, उन्हें सारे काम आते हैं, मुझसे उम्र में भी छोटे हैं, तो करें। मैं अब इस घर की इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। ओहो माँ, क्यों कर रही हो आप ऐसा? हर साल तो प्रसाद की तैयारी आप ही करती हो, इस साल आप मना क्यों कर रही हो? और देखो प्लीज, इन छोटी मोटी चीजों से ना घर में फालतू सीन मत क्रिएट करो। आप तो घर की बड़ी बहू हो ना, तो आप तो ये सब मत करो माँ। और देखो आर्या को कितनी भूख लगी है, उसे आपके हाथों का खाना पसंद है, प्लीज आप ऐसा मत करो, बना दो ना खाना। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? उस दिन मुझसे भगवान के गहने छीन के भगवान को पहनाने गई, इसने मुझे अपमानित किया। इतना कुछ आता है इसे और खुद खाना बनाना नहीं आता। क्यों आर्या, खुद ग्लास भर के पानी तक नहीं पी सकती? अरे बाप रे बाप, हाय हाय रे। हाँ बड़ी भाभी, आप ऐसी तीखी तीखी बातें करना कब से सीख गई? क्यों रे रागिनी, इस घर की बहुएं क्या सिर्फ तीखी तीखी बातें सुन सकती हैं, बोल नहीं सकती? और आर्या, तुमने तो खुद मुझे कहा था कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे हिसाब से इस घर में सब कुछ हो, सब चले। ठीक है तो जाओ ना भगवान का प्रसाद बना लो। देखती हूँ राय परिवार की बहू बनने के कितने काबिल हो तुम। इसे पूछो तो बहू रानी, भोग वाली हांडी उतार भी पाएगी? इसकी कहीं कमर ना टूट जाए। अपनी जबान संभालिए, उंगली नीचे करके बात करो। तुम किसके साथ बात कर रही हो, भूल गई हो? ये राय परिवार की बुजुर्ग है, बुजुर्ग। शर्म नहीं आ रही इस तरह बात करने में? तुम्हारी जैसी लड़की को इस घर की बहू के रूप में कोई भी एक्सेप्ट करे, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हाँ वो आप क्यों करोगे, क्योंकि पापा जो बोलते हैं उससे तो आप हमेशा ही दूसरी दिशा में चलती हो, उनके खिलाफ रहोगी, और हमेशा यही होता आया है ना? नहीं रे, मैंने वो नहीं किया। मैं अगर वैसा ही करती, खिलाफ हो जाती तो ही अच्छा होता। एक्चुअली मर जाती उसी से सुधरती है, जानती है? घर की बहुओं के साथ नौकर नौकरानियां जैसा बर्ताव करना, बच्चे पालने की मशीन समझना, रोबोट समझते हैं जो हम नहीं है। और बच्चे जब बड़े होकर माँ को अपमानित करते हैं बाहर की एक लड़की के सामने, तब। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, रुकिए रुकिए। लॉकर से सारे गहने मैंने निकाल लिए हैं और उन्हीं गहनों से मैं आर्या को सजाऊंगी। घर के गहने पहनने से कोई घर की बहू नहीं बन सकती। और तू तो जानती है इस घर के गहने बहुत भारी हैं। वजन सह पाएगी ना? आप बेकार में ही नाराज हो रही हैं। अब प्रसाद कौन बनाएगा? अच्छा आप कैसी हो छोटी भाभी, हाँ कैसी हो आप? घर की बहू होकर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? असल में
बड़ी मामी ने तो कह दिया है कि प्रसाद नहीं बनाएंगी, इसीलिए तो छोटी मामी को डर है कि कहीं उन्हें ना बनाना। मैं डर नहीं रही हूँ रांझना, प्रसाद नहीं बना तो भगवान की पूजा नहीं होगी। दीदी, दीदी, आर्या तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आओ चलो, आओ चलो आर्या चलो। जनों ने से ढोल बजाकर, यही सब बजाकर कितना नाम कमाया है। किसी ने शहनाई बजाकर, किसी ने तबला बजाकर, और कभी कभी पियानो, गिटार। हाँ, उन सबको कितना सम्मान देते हैं लोग। अच्छा अच्छा, हम भी तो कलाकार ही हैं, पर वो कदर नहीं मिलती। ढोल बजाते हैं इसलिए हमारी कदर नहीं है, और उसपे भी, उसपे मैं एक लड़की हूँ, इसलिए कोई कदर नहीं करता। तुम्हें कदर मिलेगी, नारित्व को कदर मिलेगी, एक आर्टिस्ट को कदर मिलेगी। मैं तुम्हारी कदर करूंगा, मैं। आज से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस दुनिया का हर सम्मान सिर्फ एक ढोली ही नहीं, बल्कि औरत के रूप में भी मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। आई प्रॉमिस। जीजा जी, जीजा जी। हाँ। बाबा बाहर बुला रहे हैं। ठीक है, जाता हूँ। ये इतने गुलाब कैसे आए? समझी, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है रे दीदी। इतना अच्छा पति मिला है, इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है, और मेरी किस्मत में एक चील लिखा हुआ है। चुप, चुप कर कृष्णा। मैं तेरी अच्छी जगह शादी करवाऊंगी, बहुत अच्छी जगह करवाऊंगी। अब छोड़िए ये सब बातें, आप जाकर तैयार हो जाइए, जाइए जल्दी जाइए। तुम्हें कदर मिलेगी, नारित्व को कदर मिलेगी, एक आर्टिस्ट को कदर मिलेगी। मैं तुम्हारी कदर करूंगा। आज से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस दुनिया का हर सम्मान सिर्फ एक ढोली ही नहीं, बल्कि औरत के रूप में भी मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। आई प्रॉमिस।